हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। इससे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के दो पार्ट इससे पहले हो चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो पार्ट देखे जा सके तो समझ में आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। वहां पर इससे पहले वाले में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखा था कि कैसे उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है, ठीक है। कुछ हमने होमवर्क के लिए भी दिए थे कल, उम्मीद है कि हो गए होंगे, ठीक है। आज हम बात करते थे, कल जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी वो कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन था उसका, किसी भी मॉलिक्यूल का अप टू नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन तक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता था। ऐसे करते थे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद हमारे पास होता था पाई 2px और पाई 2py, ये दोनों एक साथ में लिखते थे। उसके बाद सिग्मा 2pz, ये तो हमारे पास था बॉन्डिंग वाला। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते थे, पाई स्टार 2px और दूसरा होता था पाई स्टार 2py और लास्ट वाला सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन करते थे, उसके एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और आज हमको बात करना है इसके ऊपर, मतलब अप टू नाइट्रोजन बात करना, सॉरी आफ्टर नाइट्रोजन बात करना। अगर नाइट्रोजन के ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होगा, मतलब जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते थे तो ये वाला हम करते थे। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर, जैसे ऑक्सीजन की हम बात कर लें, O2 की, तो इसमें एक ऑक्सीजन का 8 होता है तो दो ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 16, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में होते हैं, तो इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें क्या होगा था कि नाइट्रोजन तक की अगर बात करते थे तो पहले इलेक्ट्रॉन 2px में जाता था, फिर पाई 2py में जाता था, उसके बाद pz में जाता था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे यानी कि अब 14 यानी कि अब नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो जो हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2pz में जाएगा, उसके बाद px में और py में जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बाकी जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, फिर से वही होगा, यहां तक तो सेम रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और यहां पर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, पाई 2px में, वहां उसके बाद जाएगा पाई 2py में, बाकी जो जैसे लिखा है वैसे सेम ही रहेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py ऐसे रहेगा और ये आपका सिग्मा स्टार 2pz, ये इसी तरीके से रहेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपके पास में आफ्टर नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर की बात करेंगे, बाकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो जैसे थी पहले वैसे अभी भी रहेंगी, ठीक है। अगर हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर जब उसका हम शो करते थे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या लिखाया गया था कि अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा नेचर रहता था, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता था। और अगर उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते थे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर शो करता था, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसके अलावा क्या था हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, ये सब पहले सीख लेते हैं हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, Nd-Na/2, ये फॉर्मूला बनता था, जहां पर Nd का मतलब क्या था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और Na का मतलब होता था कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाई 2, ठीक है। इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, तो ये तो हो गया, ठीक है। किसी का बॉन्ड ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद रहेंगे, बाकी कम ज्यादा होता है तो उसके बेसिस पर हम बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आप नाइट्रोजन बात कर लीजिए, ठीक है, और इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर लेते हैं कि अगर आफ्टर नाइट्रोजन है तो उसका एनर्जी लेवल कैसे बनेगा। सबसे पहले 1s वाला, ये 1s जैसे कल बनाया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगा। देखिए ये जो हमारे पास लिखे हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और ये जो बीच में बना रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है, ऐसे करके।
अच्छा एक चीज तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो नीचे बनता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर बनता है, इसका एनर्जी लेवल कम होता है इसके कंपेरिजन में। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल इससे भी नीचे है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी लेवल टाइप का जो एनर्जी लेवल होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एटॉमिक ऑर्बिटल से भी क्या होता है, कम होता है। अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी कह रहे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इससे ज्यादा होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से कि कम होती है, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी एनर्जी इससे क्या होती है, कम होती है, इसी वजह से इसको भी नीचे बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा वन एस को डिनोट करेगा, ये सिग्मा स्टार वन एस को। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये वन एस नीचे से ऊपर एनर्जी लेवल होगा बढ़ते हुए क्रम में। उसके बाद बात कर लेते हैं 2s का। ठीक है, ये भी 2s, ये भी 2s, इसमें भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे, ये दूसरा, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ऐसे करके। ठीक है, चलिए इसकी बात कर ले, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद p वाला बात कर लीजिए, तो p में तीन इधर होंगे px py pz, इधर होंगे तीन px py pz, इसके भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। आपकी बात सिग्मा टू, ये टू पी जेट नीचे रहेगा, उसमें क्या होता था कि नीचे नहीं रहता था, ये इसके ऊपर जाता था, और इसके बाद आपकी बात सिग्मा पी एक्स पी वाई इसके बाद आएंगे यहाँ पर, और ऊपर जैसे होता था उसी तरीके से रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस इतना ही केवल डिफरेंस हुआ है इसके बीच में। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा टू पी जेट, ये जो सिग्मा टू पी एक्स था, ये सॉरी पाई टू पी एक्स, ये पाई टू पी एक्स को ही ग्राउंड करेगा, ये पाई टू पी वाई था टू पी वाई रहेगा, ये पाई स्टार हो जाएगा पाई स्टार टू पी वाई सॉरी टू पी एक्स, और दूसरा पाई स्टार टू पी वाई, और ये सिग्मा स्टार टू पी जेड। ठीक है, इस तरीके से इसको पी एक्स पी वाई पी जेड मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इधर भी पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा, इधर आपका एनर्जी लेवल शो करेगा इसका, आप इस तरीके से एनर्जी लेवल इसका बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, इधर ही कहीं, ये तो सिंपल एनर्जी लेवल डायग्राम हमने बना लिया है। चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फिगरेशन करते हैं इनका कैसा होगा, सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2। अब इसके बाद देखिए उसमें क्या होता था कि पाई वाले में पहले इलेक्ट्रॉन जाता था, इसमें पाई में पहले नहीं जाएगा, ठीक है, सिग्मा वाले में पहले जाएगा, मतलब सिग्मा 2pz और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, पाई 2px आता है, उसके बाद पाई 2py आता है। अब देखिए क्या है, देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ये हो गए, ठीक है, लेकिन एक मिनट की जो छूट गई है, ठीक है, दो हो गए हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गए हैं, कुछ छूट गया क्या, सिग्मा वन है सिग्मा स्टार वन है सिग्मा टू है सिग्मा टू एस टू, ये हो गया पूरा, इसमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, आपकी बात अब आगे क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या आएगा, अब देखिए एक तो आगे हो जाएगा, इसके बाद भी दो इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसके बाद क्या बचेगा, पाई स्टार 2px आएगा और दूसरा क्या होगा, पाई स्टार 2py होता है, और इसके बाद कॉन्फिगरेशन क्या होता है, सिग्मा 2pz। अब देखिए इलेक्ट्रॉन दो बचे हैं, अब p दोनों का बराबर बराबर होते हैं, तो p ब्लॉक का मतलब ये दो बचे ना हमारे पास केवल, ये दोनों, तो अब पावली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक एक फिल होगा, ठीक है, दोनों में जाएगा, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचे होते तो दोबारा फिल होते हैं। पावली ने तो यहाँ यही कहा था कि दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम स्वीकार करते हैं, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ ऑक्सीजन, 8 टोटल इधर होंगे 8 इसके होंगे, चलिए फिर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, ऐसे करके हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब आपको क्या करना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 2, 2, 4 है, मतलब इसमें टोटल 2 है, इसमें 2 चले गए, वहां से देख सकते हैं कॉन्फिगरेशन से, 2 यहां से 2 यहां के अपोजिट स्पिन में, ठीक है, इसमें भी 2 फिल हो जाएंगे, इसमें भी 2 फिल हो जाएंगे आपके पास में, इसमें 2-2 हो गए। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 2px में, दूसरा कहां जाएगा, इसमें जाएगा,
आप देखिए टोटल हो गए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल हो गए हैं। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक फ्लक्स का बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एनपी माइनस एनए, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाय टू, ठीक है। अब एनपी अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये सब बॉन्डिंग वाले हैं और जो स्टार लगा देते हैं ये सब एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, तो बॉन्डिंग वाले कितने हैं, देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, टोटल कितने हैं 10। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2, 2, 4 और यहां पर 2 है 6, तो 10 माइनस 6 बटे 2 तो कितना हो जाएगा 4 बटे 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, इस तरीके से इनका बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। अब अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं, इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये है ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी बनेगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग बनाइए बैठ करके यहीं पर थोड़ी देर के लिए फ्लोरीन का, फ्लोरीन तो बन गया होगा आप लोगों का, ठीक है, तो यार डायमैग्नेटिक इन नेचर आया है, ठीक है, और कॉन्फिगरेशन आपको पता है फ्लोरीन करना होता है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे फिर होते हैं तरीके से फिर कर लीजिएगा। एक हम बात कर लेते हैं जरा N2 की, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं और N2 माइनस की बात कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं जरा, इनका कॉन्फिगरेशन करते हैं। अच्छा ऊपर की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन के अंदर कितना होता है इलेक्ट्रॉन 7, तो 2 में कितना हो जाएगा 14, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अब इसमें क्या होगा, 14 तो होगा ही क्योंकि एक माइनस साइन लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉन्फिगरेशन दोनों का कर लेते हैं, पहले ऊपर वाले का कॉन्फिगरेशन करें, क्या हो जाएगा σ1s2 σ*1s2, उसके बाद σ2s2 σ*2s2, कितना हो गया, देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है और अब टू नाइट्रोजन, हमने कॉन्फिगरेशन आपको बता रखा कि किस तरीके से होता है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, अब σ2s2 के बाद क्या भरेगा, मतलब पाई वाले पहले आएंगे, पाई 2px, पाई 2py, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले में जाएगा, दो में जाएगा, तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद σ2pz, 12 ये थे, 2 इसमें चले जाएंगे, 14 हो गए, ठीक है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से कॉन्फिगरेशन होगा इसका। अब N2 माइनस की जब बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन आ गए और 15 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि इसका कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसे होना चाहिए, σ1s2, 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 σ2s2, σ2s2। अब यहां पर क्या होना चाहिए कि अगर 15 इलेक्ट्रॉन है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो होना तो यही चाहिए कि अगर ये है तो फिर σ2pz में इलेक्ट्रॉन पहले आना चाहिए, उसके बाद पाई 2px में जाना चाहिए, फिर पाई 2py में जाना चाहिए इस तरीके से, और फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन π*2px में जाना चाहिए ऐसे करके। लेकिन ये कॉन्फिगरेशन इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन तो है, 14 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये है तो नाइट्रोजन ही। अगर हम पहले बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन था, ठीक है, ये पहले तो नाइट्रोजन ही था ना, पहले तो ये नाइट्रोजन ही था, बाद में इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है, ये कोई ऐसा तो होता नहीं कि ये ऐसा कोई एटम होता हमारे पास मॉलिक्यूल, ऐसा कोई नाइट्रोजन भी था पहले, उसके बाद में एक माइनस साइन आया हुआ है, तो बाद में अगर माइनस आ रहे हैं या बाद में प्लस आ रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन अंदर एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, इससे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइट्रोजन का मतलब 14 होता है, तो कॉन्फिगरेशन यही वाला इसके लिए भी रहेगा, ठीक है, भले इसमें एक इलेक्ट्रॉन अलग से आया हो, क्योंकि वो ओरिजिनल उसका नाइट्रोजन ही था, नाइट्रोजन तक का कॉन्फिगरेशन यही होता है, अगर नाइट्रोजन उसमें है तो चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़े चाहे इलेक्ट्रॉन घटे, कॉन्फिगरेशन हम इसी क्रम में करेंगे जैसे क्रम में ऊपर किया गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन भर गए तो ज्यादा हो गए तो कॉन्फिगरेशन वो अलाउ करने लगी, ठीक है, इसी वजह से हमने जब कॉन्फिगरेशन लिखाया था वहां पर हमने अप टू नाइट्रोजन फिर अबव नाइट्रोजन लिखाया है, तो नाइट्रोजन अगर आ रहा है, नाइट्रोजन है तो चाहे इस पे जितने माइनस लगा दो चाहे जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ जाएं, लेकिन कॉन्फिगरेशन का क्रम यही रहेगा, ये वाला क्रम नहीं रहेगा, किसी भी चीज में ध्यान रखिएगा। इसी चीज को एक और मान लीजिए, जैसे एनओ है, एनओ इसकी अगर हम बात करें तो ये एनओ का मतलब कितना, नाइट्रोजन हो गया 7 और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 1 और 8 के साथ कितना होता है, कितना होता है 15 होता है ना, ये एनओ का हो गया। इसके बाद अगर हम एनओ 2+ की बात कर लें तो एनओ 2+ की मतलब क्या हो गया कि 15 यहां पर तो थे ही, ठीक है, और 2 इसमें से और क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा,
13 हो जाएगा यहां पर, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए कॉन्फिगरेशन का क्रम ये रहेगा कि सिग्मा 2pz में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2px 2py में जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये 14 से कम है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन पाई में जाएगा, उसके बाद उसमें जाएगा, फिर सिग्मा 2pz में जाएगा, तो फिर कॉन्फिगरेशन गलत हो जाएगा। मतलब ये NO जो NO2+ आया है ये कहां से आया है, ये इसी से तो आया है, पहले तो वो NO ही था, उसके बाद इस पे 2+ लग गया है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए हैं। तो इसका मतलब नहीं, कॉन्फिगरेशन का क्रम भी कौन सा रखेंगे, यही वाला ही रखेंगे, भले इसमें इलेक्ट्रॉन कम क्यों ना हो गए हों। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भले कम हो क्यों ना गए हों, लेकिन जो इसका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है कॉन्फिगरेशन हम उसी क्रम में करेंगे। ठीक है, इस चीज का बहुत ही ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसमें से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जरा नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो ये वाला क्रम कॉन्फिगरेशन में नहीं अपनाएंगे, भले इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों नहीं है, हम वही वाला अपनाएंगे। ठीक है, 1s2 सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहां पे जैसे फिल है वैसे फिल कर लीजिए, पाई 2px2, नीचे पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक और बचा है। अब ये जाएगा किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मतलब इसके बाद पाई 2px आता था, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी ना तो पाई 2py में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, ना तो सिग्मा स्टार 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये स्टार लगा लीजिएगा, सब स्टार एंटी बॉन्डिंग, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे नाइट्रोजन का बनता है सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एनर्जी लेवल डायग्राम चेंज हो जाएगा, यही कॉन्फिगरेशन रहेगा। ठीक है, बना लीजिए, एक ऊपर एक यहां पर नीचे, ये हो जाएगा, फिर ये 1s वाला हो जाएगा, ये 2s वाला, ठीक है, उसके बाद p वाला बना लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, वही पहले नीचे रहेगा, ठीक है, ऊपर जैसे बनता था उसको ऐसे ही बनाइए, तो ये बन गया डायग्राम आपका। ठीक है, बात वही है कि ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, और ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं सिग्मा 2s, और ये सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए पाई 2px नीचे ही रहेगा यहाँ पर, पाई 2py, और ये सिग्मा 2pz, ये पाई स्टार 2px, 2px, ये पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, एक इधर नाइट्रोजन, एक इधर नाइट्रोजन, इससे माइनस का साइन लगा लीजिए एक पर। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इधर और 8 इधर, टोटल बचे तो 8 × 7 = 15 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उल्टा भरने, ठीक है, 7 और ये 8, ऐसे करते हैं, अपोजिट साइड में स्पिन में रहेंगे तभी वो लाइक करेंगे। ठीक है, बना लीजिएगा आपने अकॉर्डिंग इसको। अब इसमें फिल करना चाह रहे हैं, 4 है तो 1, 2, 3, 4 पूरी तरीके से फिल है, ये भी पूरी तरीके से फिल है, यहां पर देखिए 3 इधर है, 4, 5, 6, 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से फिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पहले से इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, टोटल एनपी माइनस एन ए, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एंटी बॉन्डिंग में 2 बी में कितने हैं, देखिए बॉन्डिंग में 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 7, 8, 9, 10 10 इसमें है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, देखिए 2, 2, 4 और 1, 5, ठीक है, 5 इसमें है, तो बटे 2, 10 में से 5 जाएगा तो 5/2, मतलब कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना, 2.5। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें कैसा हो जाएगा, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा रहेगा, ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद आप लोग एनओ का बना लिए। चलिए ये सब बातें हो गई, ठीक है, एनओ एनओ प्लस और दोनों का, प्लस टू का दोनों का हो गया, ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जरा से स्टेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इनके स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी में डायरेक्टली रिलेशनशिप क्या होता है, क्योंकि हम किसी के बॉन्ड ऑर्डर से ही उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, इतना समझ लीजिए बस।
जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि वो इतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे क्वेश्चन आपके पास में कैसे आएगा, क्वेश्चन आपके पास में आएगा, कहेगा कि O2 है, O2 माइनस है, O2 प्लस है, O2 माइनस माइनस है, यानी कि 2 माइनस है इस तरीके से, और आपसे कहेगा इसको इसके स्टेबिलिटी के क्रम में आप बनाइए, मतलब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेप्ट करिए। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको इनके बॉन्ड ऑर्डर पता होने चाहिए, जब बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, बता पाएंगे कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर हम इन चारों में बात करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम कौन, उससे कम कौन, उससे कम कौन, और सबसे कम कौन हो, अगर इसके क्रम में हम लिखें इसको, ठीक है, मतलब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखें या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे, उसको कॉन्फिगरेशन करना पड़ेगा आपको पहले, तभी पता चलेगा कि एंटी बाउंड्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं और बाउंड्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं। इसकी बात करते हैं कॉन्फिगरेशन, देखिए इसमें दो है ऑक्सीजन, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, अब 16 इलेक्ट्रॉन है मतलब कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर होगा सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। अब उसके बाद देखिए 16 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, सिग्मा 2pz में जाएगा, फिर उसके बाद पाई 2px में जाएगा, पाई 2px2, फिर सॉरी पाई, उसके बाद पाई 2py2, कितने हो गए देखिए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आप दो बचेंगे। अब इसके बाद पाई स्टार 2px आता है और पाई स्टार 2py आता है, ये आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में चला जाएगा, ठीक है, और जेड में कोई नहीं होगा। तो अब यहां से पहले सबका कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं, फिर सबका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसमें भी देखिए सेम, यहां तक तो सेम रहना है, देखो यहां तक सेम लिख ले रहे हैं, यहां तक तो पूरा सेम ही है, इसके आगे हमको O2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आया है, 16 तो थे इसके पास में, एक और आया तो कितना हो गया टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या हो जाएगा, यहां पर पाई स्टार चेंज हो जाएगा, 2px2 हो जाएगा और इसमें पाई स्टार 2py1 ही रहेगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, 17 हो गए। इसमें देखिए 2 प्लस लगा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन और चला गया है, तो इसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, तो 15 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक यहां पर भी सेम रहेगा, 2py2 तक तो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहां तक 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14 तो यहां तक सही है, 15 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन केवल 2p5 star 2p1 में रहेगा, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अगर यहां पर बात कर लें, यहां पर O2 2 माइनस का मतलब 16 तो थे, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आए हैं तो टोटल कितना हो गया 18, तो ये तो पाई 2py2 तक यहां पर भी सेम रहेगा, पाई स्टार 2px यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py में भी क्या रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, 14 यहां तक तो थे ही, फिर 15, 16, 17, 18 ये पूरे हो गया। सबसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, निकाल लीजिए, चलिए पहले हम ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखिए पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 9, 10, ठीक है, 10 ये कर रहे हैं और इसमें कितने हैं, 2, 2, 4, 4, 2, 6, तो 10 - 6/2 मतलब 4/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2। फिर O2 माइनस का निकाल लीजिए, 17 है टोटल इलेक्ट्रॉन, 2, देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां तक तो पहले काउंट कर लें टोटल कितने हुए, तो यहां पर देखिए 2, 2, 4, 2, 2, 4, 5, 6, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 10 यहां तक ठीक ठीक रहेंगे, 10 ही तक रहेंगे यहां पर, तो ये तो 10 ही रहेंगे। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़े हैं, यहां तक 10 है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बढ़ेंगे, देखो यहां तक कितने थे, 6 थे और यहां पर एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे 2, 10 - 7/2 का मतलब कितना हुआ, 10 और माइनस का इसमें कितना हो जाएगा, देखिए यहां तक तो 10 थे हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग वाले 6 थे, एक एक्स्ट्रा और पड़ा है तो कितना हो जाएगा, 7, तो 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5। उसके बाद बात कर लेते हैं O2 प्लस के बॉन्ड ऑर्डर की, बात कर लें, ये तो 10 ही रहने, ठीक है, ये O2 प्लस ही। अब देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर के लिए बात करते हैं, यहां तक तो सेम ही था ना, यहां तक 6 था तो 5 ही बचा होगा, एक तो एक मतलब बहुत ज्यादा हो गया, कम हुआ इसमें से, तो 5/2 हो जाएगा, 10 - 5, 5/2 मतलब कितना, 2.5, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं O2 2 माइनस की, बात कर लें तो 10 तो यहां तक रहना ही रहना है, 10 तो यहां तक था ही,
अब एंटी बांधने की बात करें तो छह तो वहां तक थे, छह थे और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में और बढ़ गया है, तो छह दो कितने हो गए आठ, तो बटे दो, तो दस में से आठ जाएगा तो कितना बचेगा दो बटे दो और ये इक्वल टू कितना वन। तो सबसे बड़ा कौन होगा O2 प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी 2.5 के बाद O2 की होगी, उसके बाद किसकी होगी O2 माइनस की होगी और उसके बाद सबसे कम किसकी होगी O2 टू माइनस की होगी। तो ये इसकी स्टेबिलिटी होगी किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डिक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग में पूछ रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा तो O2 टू माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा O2 माइनस, उसके बाद O2 और सबसे लास्ट में O2 प्लस। ये इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी, ये इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये थी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी खत्म हो गई। अब आपसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, और ड्रैगोस रूल और डायपोल मोमेंट, ये भी चीजें अभी और आपकी बची हैं केमिकल बॉन्डिंग में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी का नेक्स्ट में। ठीक है, ओके बाय।